बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में जाह्नवी को लेकर एक खबर सामने आई है। खबरों की माने तो जाह्नवी ने अपनी तीसरी फिल्म भी साइन कर ली है। ये एक बायोपिक फिल्म है जिसमें वो IAF ऑफिसर गुंजन सक्सेना का किरदार निभाने वाली है। इस फिल्म में जाह्नवी के ऑपोजिट साउथ के सुपरस्टार दिलकर सलमान नजर आएंगे। दिलकर इरफान खान की फिल्म कारवां में भी नजर आ चुके हैं। इरफान की फिल्म से ही दिलकर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। गुंजन सक्सेना महिला एयरफोर्स पायलट हैं, जो कि जंग के मैदान में उतरी थीं। 17 साल पहले उन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी हिम्मत और वीरता का परिचय करवाया था। इस दौरान उन्होंने घायल सैनिकों को चीता हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया था। इसके लिए गुंजन को वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वो फिल्म तख्त में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में जाह्नवी के अलावा करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, विकी कौशल, आलिया भट्ट और भूमि पेडनेकर मुख्य किरदार में हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।